नमस्ते। संख्याओं की संक्रियाएं गणित की नींव हैं, जिसे सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस नींव को मजबूत करने के लिए एबेकस नामक एक सरल गिनती उपकरण के बारे में जानेंगे कि किस तरह ये मनोरंजक और सरल तरीके से गणित की कई मूल अवधारणाओं को जानने में सहायक है। इस गतिविधि का उद्देश्य गणित की विभिन्न अवधारणाओं को सीखना है, जिनमें स्थानीय मान, संख्याओं के विस्तारित रूप, संख्याओं को शब्दों में लिखना और जोड़ घटाव शामिल है। इस टूल में एक बेस, 5 रॉड्स और 50 बीड्स होते हैं। सबसे पहले बेस को समतल सतह पर रखें और रॉड्स को इस तरह इस बेस पर लगाएं। साथ ही बीड्स को इस तरह से रॉड्स में ऐसे डालें। गतिविधि की शुरुआत एक रोचक प्रश्न से करें। उदाहरण के तौर पर मेरे पास बिस्कुट के 3 डिब्बे हैं। 10 पैकेट से मिलकर बिस्कुट का 1 डिब्बा बना है। ऐसे ही 10 बिस्कुट से मिलकर 1 पैकेट बना है। बताओ मेरे पास कुल कितने बिस्कुट हुए? आइए इसी तरीके के सवाल हमारे पास मौजूद एबेकस की सहायता से और प्रभावित तरीके से हल करें। मेरे पास मौजूद इस एबेकस में ये रॉड इकाई को दर्शाती है। इसमें एक बीट डालने पर संख्या 1 प्रदर्शित होगी। इसी तरह 2 बीट्स डालने पर संख्या 2, 3 बीट्स डालने पर संख्या 3 प्रदर्शित होगी और इसी तरह 9 तक इसमें बीट्स डालते रहने पर यहां पर संख्या 9 प्रदर्शित होगी। यदि हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इस रॉड में 10वीं बीड नहीं आएगी, तो इसके लिए हम इस दूसरी रॉड यानी दहाई रॉड का प्रयोग करते हैं। इकाई रॉड की 10 बीड्स दहाई रॉड की 1 बीड के बराबर होती हैं, यानी 10 इकाई बराबर 1 दहाई। इसी तरह 10 को प्रदर्शित करने के लिए इकाई रॉड से 10 नीले रंग की बीड्स को हटाएंगे। और इस जगह दहाई रॉड में एक लाल रंग की बीट डाल देंगे। इस तरह यह संख्या 10 को दर्शाता है। इसी प्रकार 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा और यह संख्या 100 को दर्शाता है। इसी प्रकार 10 सैकड़ा बराबर 1000, यह संख्या 1000 को दर्शाता है और यह संख्या 10000 को दर्शाता है। अब हम गतिविधि की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इकाई की रॉड में आपको बता दें ये नीला बीड एक बिस्किट को दर्शाता है। दहाई की रॉड में ये लाल बीड एक पैकेट को दर्शाता है और सैकड़ा की रॉड में पीला बीड जो है ये एक डिब्बे को दर्शाता है। मेरे पास कुल 3 डिब्बे हैं, यानी कि इस रॉड में पीले रंग के 3 बीड्स डालेंगे जो कि 300 बिस्किट को दर्शाएंगे। यहां 3 का स्थानीय मान 300 है और अंकित मान 3 है। क्या आप जानते हैं हम एबेकस के जरिए जोड़ घटाव भी कर सकते हैं? आइए दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ इन्हें करके सीखें। राहुल ने टीवी और मेज खरीदी जिसकी कीमत क्रमशः 13,715 रुपए और 546 रुपए है। राहुल ने हिसाब लगाया कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। चलिए इस हिसाब को एबेकस की सहायता से समझें। एबेकस में जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का योग होता है तो हम हमेशा इकाई को इकाई और दहाई के साथ दहाई, सैकड़े को सैकड़े में जोड़ते हैं और यह इसी तरह अगले स्थानों के लिए भी कर सकते हैं। चूंकि टीवी की कीमत 13,715 रुपए है, जिसे दर्शाने के लिए हम 5 नीले रंग की बीट्स को इकाई के स्थान पर डालेंगे। 1, 5 इस तरीके से। एक लाल रंग की बीट को दहाई के स्थान पर ऐसे डालेंगे। 7 पीले रंग की बीट्स को सैकड़े के स्थान पर 7। 3 हरे रंग की बीट्स को हजार के स्थान पर 1, 2, 3 और 1
सफेद रंग की बीट को 10,000 के स्थान पर कुछ इस प्रकार डालेंगे। मेज की कीमत 546 रुपए है, जिसे टीवी की कीमत में जोड़ने के लिए हम 6 नीले रंग की बीट्स को इकाई के स्थान पर डालेंगे। 1, 2, 3, 4, लेकिन हम 4 ही बीट से अधिक नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो रॉड है पूरी वो भर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 इकाई बराबर 1/10, यानी कि जब हमारे पास 10 या अधिक बीट्स होंगे तो हम इकाई के स्थान से 10 बीट्स को हटा देंगे और उन्हें दहाई के स्थान पर एक बीट से बदल देंगे। और बचे हुए बीट को, जो कि एक ही है, उसे इकाई के स्थान पर इस तरीके से हम डाल देंगे। इसके बाद 546 के 4 को दहाई रॉड में मौजूद 2 बीट्स के साथ हम जोड़ने पर 4 बीट्स और यहां पर डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, इसका मतलब दहाई के स्थान पर कुल 6 बीट्स होंगे। अंत में हम 546 के 5 को सैकड़ा रॉड में मौजूद 7 बीट्स से जोड़ने के लिए 5 बीट्स डालेंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, क्योंकि 10 सैकड़ा बराबर 1000। अब 10 पीले रंग के बीट्स के बदले 1000 के स्थान पर एक हरे रंग का बीट डाल देंगे और अब बचे हुए बीट्स, जो कि 2 हैं, उन्हें सैकड़ा के स्थान पर डालेंगे। हम देख सकते हैं कि टीवी और मेज की कीमत को जोड़ने पर हमें 14,261 रुपए परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात राहुल ने कुल 14,261 रुपए खर्च किए। आइए अब हम एबकस की सहायता से घटाव की अवधारणा को समझें। मेरे पास मौजूद इस एबकस में 14,261 रुपए प्रदर्शित किए गए हैं। मान लीजिए मुझे इसमें से 1,350 रुपए मेरे दोस्त को देने हैं, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? जोड़ विधि के समान, जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का घटाव होता है तो हम हमेशा इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई आदि को घटाते हैं। 14,261 में से 1,350 को घटाने के लिए हमें इकाई में से सबसे पहले शून्य घटाना है, अर्थात 1 घटा 0 = 1, तो यहां एक ही बीट रहेगा। अब हम दहाई में से 5 बीट्स हटाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5, जिससे दहाई में भी एक ही बीट बचेगा। इसके बाद हमें सैकड़ा में से 3 बीट्स हटाने होंगे, परंतु यहां तो 2 ही बीट्स मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे? हम 1000 के स्थान से 1 बीट उधार लेंगे, जिसके लिए 1 हरे रंग के बीट के बदले 10 पीले रंग के बीट लेने होंगे, क्योंकि 1000 बराबर 10 सैकड़े होता है। हमारे पास 2 बीट पहले से ही मौजूद थे, यानी कि सैकड़े के स्थान पर 12 बीट्स होंगे। सैकड़े के स्थान पर 3 बीट्स को हटाने के लिए हम यहां से ये 3 बीट्स ऐसे हटा देंगे और बचे हुए बीट्स जो हैं उनको यहां पर डाल देंगे और यहां पर हमें 9 बीट्स मिलेंगे। अंत में 1,350 के 1 को घटाने के लिए हम 1000 के स्थान से 1 बीट को ऐसे निकाल लेंगे। जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 14,261 घटा 1,350 बराबर 12,911 रुपए। मेरे पास 12,911 रुपए बचे हैं। इस प्रकार हम एबेकस का उपयोग करके गिनती, स्थानीय मान, जोड़ और घटाव की अवधारणाओं को सीख सकते हैं। धन्यवाद।